सो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैंटेसी गुरुज यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो मैच खेला जाएगा केसीसी वर्सेस एमकेसीसी के बीच। फ्रेंड्स, मैच खेला जाएगा, इसका मैं आपको टूर्नामेंट टीम देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो जल्दी से जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस नहीं करते बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले अपनी टीम क्रिएट कर पाएँ। बात करते हैं फ्रेंड्स इस मैच की। तो फ्रेंड्स, इस मैच में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा वो मैं देने वाला हूँ, साथ ही साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिससे कि काफी समन विन कर सकते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स इस मैच की वेन्यू की। लिम्हम फॉल्ट में मैच खेला जाएगा, जहां की पिचेस जो है ऑलमोस्ट न्यूट्रल रहती है, जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों का ही हेल्प करती है। हालांकि ये पिच ज्यादातर मतलब पेस बॉलर और बैट्समैन को काफी ज्यादा हेल्प करता है, तो इस बात का आपको ध्यान देना। फर्स्ट इनिंग की एवरेज स्कोर की बात करते हैं तकरीबन 90 के आसपास रहने वाला, वहीं सेकंड इनिंग की एवरेज स्कोर की बात करते हैं तकरीबन 79 के आसपास रहने वाला है। बात करते हैं फिर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। तो फ्रेंड्स, प्लेइंग 11 की तरफ जाने से पहले अगर आप लोग जो है मेरे टेलीग्राम इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी से जो है आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें से रिलेटिव कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट या न्यूज़ आता है तो आपको डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ लाइनअप आउट होने के बाद आपको टीम भी प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको गेम खेलना पसंद करते हो तो आप हमारे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया गया, आप जो कि इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स इसे प्लेइंग 11 की। तो देखिए एमकेसीसी की तरफ से मोहम्मद तारिक सफ़ी और शहीद आलम ये दोनों ओपन करते नजर आएंगे 13 मैचेस के लिए, जिसमें क्या है फ्रेंड्स 80 रन बनाए। विकेट की बात करते हैं तो फिर विकेट जो अपनी टीम के लिए एक निकाले। फ्रेंड्स, ये रिकॉर्ड जो है मोहम्मद तारिक का है। अगर तारिक आप देखेंगे तो बैटिंग बॉलिंग दोनों ही करते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान देना। वहीं बात करते हैं शहीद आलम की, तो 12 मैचेस के लिए जिसमें कि 125 रन के आसपास स्कोर करके दिए हैं, तो अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात आपको ध्यान देना है, अगर टीम चाहे तो इन दोनों को खिला सकते हो, क्योंकि फर्स्ट मैच इनको नहीं खिलाई थी, लेकिन सेकंड मैच में जो मतलब ऐसा न्यूज है कि इस मैच में खेलने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स इस मैच में भी नहीं खेलते तो फ्रेंड्स तो अगर लाइनअप आउट होने के बाद ये नहीं खेलते तो फ्रेंड्स सारा का सारा अपडेट जो है मतलब सारा का सारा मैं टीम वगैरह ग्रैंड लीग H2O3 में जितनी भी टीम हो तो वो आपको टेलीग्राम पर मैं बना के दे दूंगा। बाकी नंबर 3 की बात करते हैं, आप इसे जे मुख्तार को ट्राई कर सकते हैं, कंफर्म खेलते हो नजर आएंगे, फर्स्ट मैच में भी खेले थे। आप देख सकते हो फिंस का परफॉर्मेंस तकरीबन 14 मैचेस के लिए, जिसमें कि जो है अपने टीम के लिए 252 रन बना के दिए। विकेट की बात करते तो फिर विकेट भी अपनी टीम के लिए 2 निकाल के दिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अगर आप इनका रिसेंट टाइम में फॉर्म देखेंगे तो बहुत ही तगड़े फॉर्म में चल रहे हैं, तो इस बात का आपको ध्यान देना। नंबर 4 की बात करते आप इसे जहीदुल्ला शेख को ट्राई कर सकते हो, जो कि 15 मैचेस के लिए जिसमें कि जो है 139 तक रन बनाए। साथ ही साथ विकेट की बात करें तो विकेट अपनी टीम 8 निकाल के दिए। फ्रेंड्स, अगर आप इनका एवरेज देखेंगे तो एवरेज जो है तकरीबन 9 के आसपास का एवरेज रहा है। विकेट की बात करते हैं फिर विकेट का भी एवरेज तकरीबन मतलब हर 2 मैच में 1 विकेट करके निकाल रहे हैं, तो इस बात का आपको ध्यान देना। फ्रेंड्स, मैं बोलूंगा कि आप इनको अपनी टीम से अवॉइड करके जाए तो आप लिए बेस्ट होगा, क्योंकि देखिए ना ही बैटिंग सब फॉर्म में नहीं बॉलिंग सब फॉर्म में, तो इस वजह से आप अपनी टीम से अवॉइड करके जाए तो आपके लिए बेस्ट होगा। नंबर 5 की बात करते हैं, फिर फैसल मोहम्मद को ट्राई कर सकते हो, जो कि 13 मैचेस के लिए जिसमें कि 383 रन बना के दिए। विकेट की बात करते हैं तो फ्रेंड्स विकेट अपनी टीम के लिए 23 निकाल के दिए, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। अगर आप इनका एवरेज देखेंगे तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट जो है इनका एवरेज 30 के आसपास का है। विकेट की बात करते हैं तो फ्रेंड विकेट का भी एवरेज तकरीबन 2 के आसपास का है, तो आप इनको अपनी टीम में चाहे तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं, काफ़ी अच्छे फॉर्म में भी चल रहे हैं। नंबर 6 की बात करते हैं, आप इसे जैन मुजफ्फर को ट्राई कर सकते हैं 14 मैचेस के लिए जिसमें कि 386 रन बना के दिए। विकेट की बात करते हैं फिर विकेट अपनी टीम के लिए 13 निकाले, और ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं। अगर आप बॉलिंग से मतलब देखिए अगर आप यहाँ से फ्रेंड्स बॉलिंग बैटिंग दोनों मतलब समझ सकते हैं, फिर एक ऑलराउंडर के तौर पर अगर इनको ट्राई कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। नंबर 7 की बात करते हैं, आप इसे ए सीरीजात को ट्राई कर सकते हैं 12 मैचेस के लिए जिसमें कि 207 रन बना के दिए। विकेट की बात करते हैं तो फिर विकेट अपनी टीम के लिए 20 निकाल के दिए, ठीक ठाक ऑप्शन है फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। वहीं नंबर 8 की बात करते हैं, आप इसे सदीक शेख को ट्राई कर सकते हैं 10 मैचेस के लिए 11 विकेट निकाल के दिए। वहीं नंबर 9 की बात करते हैं, आप इसे हुसैन को ट्राई कर सकते हो, जो कि 13 मैचेस के लिए 15 विकेट निकाले। नंबर 10 की बात करते हैं तो जाहिद आलम खेलते नजर आएंगे, हालांकि अभी तक इनको कोई विकेट तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। बाकी नंबर 11 की बात करें तो आप इसे अहमद अमीर को ट्राई कर सकते हो, जो कि 4 मैचेस के लिए और विकेट सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम के लिए 2 निकाल के दिए। तो फ्रेंड्स, ये जो एमकेसीसी का प्लेइंग 11 रहने वाला है। बात करते हैं फ्रेंड्स इसे केसीसी की प्लेइंग 11 के, जो देखिए अविनाश सिंह और यहाँ से गोपी कृष्णा दोनों ओपन करते नजर आएंगे। दोनों के अगर रिसेंट टाइम में फॉर्म देखे जाए तो अविनाश जो है 13 मैचेस के लिए अपनी टीम के लिए जिसमें कि 84 रन बना के दिए। विकेट की बात करते तो फिर विकेट भी अपनी टीम के लिए 1 निकाल के दिए, तो अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हो। वहीं गोपी कृष्णा की बात करें तो ये भी 14 मैचेस के लिए जिसमें कि 236 रन बना के, अगर ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं।
अगर आप इनका एवरेज देखेंगे तो फ्रेंड्स इनका एवरेज है तकरीबन 18 से 19 के आसपास का एवरेज है, और T10 के लिहाज से फ्रेंड्स एवरेज इनका ठीक ही, अगर आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। बाकी यदि फिर बात करते हैं गणेश नंबर 3 किताब में से गणेश स्वरूप को ट्राई कर सकते हैं 19 मैचेस के लिए, जिसमें कि 275 रन बना के दिए। बाकी यदि फिर बात करते हैं विकेट की, तो विकेट भी अपनी टीम के लिए 28 निकाल के दिया, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं। अगर आप यदि फ्रेंड्स इनका मतलब बैटिंग से एवरेज देखेंगे तो बैटिंग से इनका एवरेज 25 से 26 के आसपास कर रहा है, और वहीं बात करते हैं फ्रेंड्स बॉलिंग की, तो बॉलिंग का भी एवरेज है तकरीबन 2 के आसपास कर रहा है। बाकी अगर आप इनको ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हैं। नंबर 5 की बात करते हैं, आप इसे संजीव शर्मा को ट्राई कर सकते हो, जो कि 18 मैचेस के लिए, जिसमें कि 356 रन बना के दिए, अगर आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, ये भी आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन रहने वाले। नंबर 5 की बात करते हैं, आप इसे मतलब नावेद चमाला को ट्राई कर सकते हो 10 मैचेस के लिए, 104 रन बना के दिए। फिर आप इनको तभी ट्राई कीजिए अगर आप 10 बंदों या फिर 20 बंदों वाली लीग खेले, तभी ट्राई कीजिए। स्मॉल लीग में हेड टू हेड 3 मेंबर 4 मेंबर वाली लीग में ट्राई बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप ग्रैंड लीग वगैरह खेले तो ग्रैंड लीग में भी ट्राई कर सकते हैं। नंबर 6 की बात करते हैं, आप इसे संदीप मैदली को ट्राई कर सकते हैं 19 मैचेस के लिए, जिसमें कि 331 रन बना के दिए। विकेट की बात करते हैं तो विकेट अपनी टीम के लिए 16 निकाल के दिए, ठीक ठाक ऑप्शन रहने वाले फ्रेंड्स, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। बाकी नंबर 7 की बात करते हैं, आप इसे समीर सिद्दीकी को ट्राई कर सकते हैं 16 मैचेस के लिए, 185 रन बना के दिए। विकेट की बात करते हैं तो विकेट भी जो अपनी टीम के लिए 27 निकाल के दिए, और ये भी आपके लिए जो है एवरेज प्लेयर रहने वाले, तो आप इनको भी अपनी टीम में चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। नंबर 8 की बात करते हैं, आप इसे सौम्यो सिंह को ट्राई कर सकते हैं 5 मैचेस के लिए, 63 रन बना के दिए। फ्रेंड्स आप अपनी टीम से इनको अवॉइड करके जाते हैं आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि देख सकते हैं उतना कोई खासा फॉर्म में दिखे नहीं है, और बॉलिंग से तो एक भी विकेट अपनी टीम के लिए नहीं निकाल पाए, तो इसी के लिए आप इनको अपनी टीम से अवॉइड करके जाए तो आपके लिए बेस्ट होगा। नंबर 9 की बात करते हैं, आप इससे एस्टे मतलब पांडा को ट्राई कर सकते हैं 16 मैचेस के लिए, 13 विकेट निकाल के दिए, और ये भी उतना कोई खासा फॉर्म में नहीं है, लेकिन अगर आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस बहुत है, तो एक्सपीरियंस के बेस में मैं बोल रहा हूँ, अगर आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं। नंबर 10 की बात करते हैं, आप इसे दत्ता अप्पा जी को ट्राई कर सकते हो, जो कि अभी तक एक भी मैचेस अपनी टीम के लिए खेले नहीं है, और ये शायद से इनका फर्स्ट मैच रहने वाला है। नंबर 11 की बात करते हैं, तो आप इसे जोबो दुग्गल को ट्राई कर सकते हो, जो कि 8 मैचेस खेले और अपने टीम के लिए 4 विकेट निकाल के दिए। फ्रेंड्स बात करते हैं इस मैच की कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो आप इसे सौरभ को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, साथ ही साथ एस सिद्धिंती को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं, तो आप इसे जे मुख्तार को भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है दोनों टीमों का प्लेइंग 11 रहने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर आप अपनी टीम बना रहे तो आप इन्हीं 22 प्लेयर में से किसी 11 को चूज कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने ड्रीमैन टीम की तरफ। तो फ्रेंड्स ड्रीमैन टीम की तरफ जाने से पहले, अगर अभी तक जो है आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो जल्दी से आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस नहीं करते तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो अब चलते हैं अपने ड्रीमैन टीम की तरफ। विकेट कीपर सेक्शन की बात करते हैं, मैं गुंदारा को अपनी टीम में ट्राई करो, जो कि आपके लिए बेस्ट है। अगर आप यहाँ से गुंदारा को ट्राई नहीं करना चाहते तो आप इसे MT सफी को ट्राई कर सकते हैं, ये भी आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन रहने वाले। और मैं बोलूँगा कि फ्रेंड्स आप गुंदारा को ही ट्राई करें तो आपके लिए बेस्ट होगा, खास करके विकेट कीपर सेक्शन में। बैटिंग सेक्शन की बात करते हैं, तो फिलहाल मैं 3 बैट्समैन के साथ जा रहा हूँ, जिसमें कि जी स्वरूप, जे मुख्तार और जे सिख रहने वाले। ये 3 जो बैट्समैन है, ये तीनों के तीनों आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाले। आप इन तीनों में से किसी का भी अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप बैट्समैन कम लेकर जाए, ज़्यादा बैट्समैन को अपनी टीम में बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करते हैं, तो आप इनसे जो है पी मोहम्मद को ट्राई कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसे एस मेंडिली को ट्राई कर सकते हैं। बाकी फिर बात करते हैं, आप इसे इस रिजाद को लेके जा सकते हैं। लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं, तो आप इसे एस सिद्धिति को भी लेके जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो 4 ऑलराउंडर मेरे लिए बेस्ट है, आप इन 4 में से किसी को भी ट्राई कर सकते हैं, और चारों के चारों काफ़ी अच्छे खासे फॉर्म में चल रहे, तो इस बात का आपको ध्यान देना। बॉलिंग सेक्शन की बात करते हैं, आप इसे एस को ट्राई कर सकते हैं, साथ ही साथ डी अप्पा जी को लेके जा सकते हैं। लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं, आप इसे ताहिर हुसैन को भी ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये 3 बॉलर आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं, ऐसे सिद्दीकी को मैं कैप्टन दे रहा हूँ। वहीं वाइस कैप्टन की बात करते हैं, आप यहाँ से जे मुख्तार को वाइस कैप्टन दे सकते हैं, क्योंकि देखिए टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, साथ ही साथ आपको जो 2 ओवर बॉलिंग भी करके देंगे, तो इस वजह से मैं वॉइस दे रहा हूँ। अगर आप इनको वॉइस नहीं देना चाहते तो आप इसे पी मोहम्मद को भी वाइस कैप्टन बना सकते हैं, ये भी आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन रहने वाले हैं। टीम प्रीव्यू की बात करते हैं, तो फिर देख सकते हैं ये मेरा टीम प्रीव्यू, अगर आप इस टीम के साथ जाना चाहते तो जा सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ी बहुत टीम चेंजेस करके बना सकते हैं। तो फिर फिलहाल के लिए स्टूडियो में इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।